सैपहू उपखंड इलाके से राजौरा कला से बाला का नगला तक जाने वाली माइनर पानी के तेज बहाव से टूट गई। माइनर क्षतिग्रस्त होने से किसानों की करीब 40 बीघा सरसों एवं गेहूं की फसल पानी में डूबकर जलमग्न हो गई। किसान की गाड़ी कमाई बर्बाद होते देख आक्रोश भड़क गया। किसानों ने माइनर पर ही एकत्रित होकर सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जल संसाधन विभाग के लापरवाही से रविवार को भाला का नगला गांव के पास माइनर का कच्चा डोला टूट गया, जिससे किसानों की मेहनत पानी में जलमग्न हो गई। किसानों के मुताबिक करीब 40 बीघा फसल बर्बाद हुई है। नाम आपका? मेरा नाम मुकेश चंद्र। बताओ क्या? मैं भाला नगला रहने वाला हूँ। ये मेरी पूरी सरसों 2 बीघे की फसल इस भराव से, पानी के भराव से नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं इसको कोई सुनवाई कर रहा है। इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। मरम्मत के लिए कोई नहीं आया क्या? मरम्मत के लिए कोई नहीं आया अभी तक। ये काफी दिन से कह रहे हैं हम, वहाँ पे भी गए नहरों का, वहाँ भी की है, सूचना दी है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ये नहर कहाँ गई है फिर? ये नहर गई है सीधी आगे के लिए, पिपरुआ भूल गई है उसमें। क्या नाम है? मेरा नाम जोगेश्वर है जी। बीच पे खेत लिया है, नहर फूट गई है वहाँ से और पानी उसमें भर रखा है और बीच पे खेत लिया है। क्या नुकसान हुआ है फसल को? गेहूँ। नुकसान क्या हुआ है फसल में, क्या हुआ है? अरे गेहूँ सारे नष्ट हो गए ना पानी भरने से।